तो फाइनली बता दूं, जो Realme K70 Ultra ये आपके सामने है, कैमरे की जहां पे डिज़ाइन देखी जा रही है, पीछे के बैक पर आपको एक वर्टिकल तरीके से चौकोर में दे रखे हैं, उसके अंदर चार कैमरे फिट किए गए हैं, जो कि ऑप्टिकल्स जहां पे 2x ऑप्टिकल राइट साइड में नीचे की तरफ दे रखा है, और 50 megapixels OIS का सपोर्ट जो कि लिखा गया है यहाँ पर, और डिज़ाइन के मामले में काफ़ी दमदार लुक नज़र आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर्स में। अब यहाँ पे जो बता दूँ कि जो इसके फीचर्स स्पेसिफिकेशन, जैसे कि हालांकि इसके जो डिस्प्ले प्रोसेसर सारी चीज़ें हैं, ये चार कलर्स में हैं, पिंक लाइट में है, जो कि एक कह सकते हैं ब्लैक में है, फिर वाइट समथिंग है। अब यहाँ पे डिस्प्ले जो 6.67 इंच का OLED पैनल है, इस पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1.5K के रेजोल्यूशन और 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी जा रही है। डिवाइस में मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 चिपसेट मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही माली G720 इम्पोर्टलेस MP2 GPU मिल सकता है। डेटा स्टोर करने के लिए मोबाइल में 24GB तक रैम है, 1TB तक इंटरनल स्टोरेज है, और कैमरे की बात करूं तो इसमें आपको और 4 वर्टिकल कैमरे मिल रहे हैं, और OIS का सपोर्ट 50 megapixel का सोनी IMX LYTIA 800 प्राइमरी, और 108 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल और टेलीफोटो लेंस लिया जा रहा है। सेल्फी वीडियो कॉलिंग के लिए 16 megapixel का फ्रंट कैमरा है, और जो कि इसमें आपको कमाल की बात यह है कि जो फ्रंट कैमरे हैं वो 16 megapixel के साथ साथ आपको इसमें भी OIS का संभावना हो सकता है। बैटरी के मामले में 5000 mAh की बैटरी है, और 120W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, और अदर फीचर्स की बात करूँ तो डुअल सिम, 5G, ब्लूटूथ, वाईफाई, इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे कई फीचर्स मिल रहे हैं। K70 अल्ट्रा लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 पर काम कर रहा है, और वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें जो लॉन्च टाइमलाइन जो दे रखी है, ये जून मतलब कि आने वाले 6 महीने में होम मार्केट चीन में लॉन्च किया जा सकता है। Xiaomi 14 Pro रूप में एंट्री ले सकती है, हालांकि अब देखना होगा कि आने में कंपनी की ओर से कब कोई ऐसा अनाउंसमेंट होता है। Xiaomi 14 Pro और K70 Ultra ये दोनों सेम फीचर स्पेसिफिकेशंस होंगे, डिज़ाइन थोड़ी सी अलग होगी और नाम भी बिल्कुल ही अलग होगा। अब यहाँ पे जो डिज़ाइन थोड़ी सी जो लीक हुआ है डिटेल्स में, मिड फ्रेम वाटरप्रूफ वाली रेटिंग जैसे कई फीचर्स इसमें मिलेंगे। K70 Ultra में डायमेंसिटी 9300 चिपसेट मिलने की बात आई है, और हालांकि इसके साथ इंडिपेंडेंट चिप संभव हो सकता है बेहतर ग्राफिक्स के लिए। लेट्स सी, देखते हैं जून में या उसके पहले ही कुछ और जो मजबूत लीक्स अगर आया तो बताना चाहूँगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो यहीं तक की थी, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।